हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ रौनक गुप्ता, आई एम अ कंप्यूटर ट्रेनर एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 बेहतरीन तरीके जिससे आपके कंप्यूटर की और लैपटॉप की स्पीड बढ़ने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। रन कमांड को आपको यूज करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी रन कमांड शॉर्टकट की, तो जिसके लिए आप कीबोर्ड से दबाएंगे Windows+R। Windows+R दबाने के बाद आपको रन कमांड का शॉर्टकट मिल जाएगा। आपको मैं इसको एक एक करके समझाने वाला हूँ और जूम करके समझाऊंगा। सबसे पहले रन कमांड हम रख रहे हैं रीसेंट के नाम से। आप लोगों को कीबोर्ड से दबाना है रीसेंट, देन उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख पाएंगे आपने जो भी रिसेंटली फाइल जितनी भी यूज किए हैं, जब से कंप्यूटर आया है आपने तब से यूज किए हैं, सबसे आपको सब चीजें दिखेंगी। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल ए, देन आपको कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल डी। डी फॉर डिलीट होता है, या फिर आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी यूज कर सकते हैं। सारी रिसेंटली फाइल डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद आप कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे। कैंसिल करने के बाद अब आपको दूसरी कमांड की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी कमांड के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और आपको दिखाता हूं। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने रखा है टेम्प फाइल, यानी कि आपको उसकी कमांड डालनी होगी %TEMP, देन दोबारा से % देन प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आपकी टेम्पररी फाइल जो भी सेव हो जाती है बाय डिफॉल्ट बन जाती है कंप्यूटर्स में, वो फाइलें सामने आ जाएंगी। फिर दोबारा से आप जो आपने रीसेंट में किया वही दोबारा करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल डी, और ये सारी फाइल होना डिलीट स्टार्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से फाइलें डिलीट हो रही हैं। सारा ये आपकी कंप्यूटर में जितना भी वायरस भरा हुआ है, जितना भी आपके में कंप्यूटर में जितना बोलते हैं ना गार्बेज पड़ा हुआ है सब कुछ, और ये कुछ कुछ परमिशन मांगेगा, आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने से आपके जितना भी स्पीड होगा ना इसको ग्रैब करेगा, जितनी स्पीड को रोक के बैठा हुआ है ना आपका CPU आपका प्रोसेसर, वो सबको टेम्पररी फाइल को डिलीट कर देगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी पूरी फाइलें सब फाइलें जा चुकी हैं, A to Z सब कुछ जीरो हो चुका है। बट ध्यान रखिएगा कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो टेम्प फाइलें डिलीट नहीं हो सकती, वो आपसे परमिशन मांगेगा स्किप के तौर पे, तो आपको वो स्किप ही करना होगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद आप लोग करेंगे कैंसिल बटन पर क्लिक। नेक्स्ट कमांड हमने रखी है प्रीफेच। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रीफेच का पूरा विंडो खुल के आ जाएगा। आप लोग फिर दोबारा से वैसे ही करेंगे जैसे रीसेंट टेम्प के अंदर मैंने कराया था, कंट्रोल ए कंट्रोल डी देन प्रेस, आपको यहाँ पे दिखेगा सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि प्रीफेच कुछ फाइलों को डिलीट नहीं करता है, तो आप लोग वही करेंगे टू दिस ऑल करेंट आइटम पे टिक करके स्किप करेंगे, क्योंकि ये छोड़ना पड़ेगा आपको, ये फाइलें डिलीट नहीं करेगा जो फाइल डिलीट नहीं हो सकती है विंडोज के तौर पे। उसके बाद आपकी तीसरी कमांड भी फिनिश हो जाएगी। अब आपको लेके चलता हूँ चौथी कमांड पे। दोबारा से आपको Windows+R दबाना है रन कमांड का शॉर्टकट, और आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ नेक्स्ट रन कमांड क्या है, नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। उसका नाम है TREE, आपको बस 4 लेटर डालने हैं देन एंटर करना है। आपके सामने ब्लैक विंडो सामने खुल के आएगी और ये अपने आप चलने लग जाएगी। चलने दीजिए, बिल्कुल चलने दीजिए, कुछ थोड़ा सा समय लगेगी, अपने आप सारे वायरसेस को क्लीन कर देगी। ये है ट्री कमांड। आप लोग देख सकते हैं मेरा सारा प्रोसीजर हो गया ट्री कमांड के द्वारा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस मैंने 4 लेटर डाले देन प्रेस एंटर। चलिए आपको नेक्स्ट और लास्ट कमांड के ऊपर लेके चलता हूँ, और ये जो कमांड है मैं आपको बता रहा हूँ 5वें नंबर पे, ये आपको लास्ट में ही यूज़ करनी है। चारों कमांडें आप ऊपर नीचे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट कमांड है वो आपको लास्ट में ही यूज़ करनी है। उसके लिए आपको Windows+R दोबारा दबाना होगा। इसको मैं जूम करके दिखाने के लिए आपको बीच में लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है क्लीन मैनेजर, और क्लीन मैनेजर की रन कमांड है CLEANMGR। आपको दिख रहा होगा क्लीन मैनेजर की स्पेलिंग में मैंने क्या लिखा है, CLEAN और MGR, देन प्रेस एंटर। आप लोग देख सकते हैं एक विंडो खुल के आएगी, पॉपअप विंडो। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप क्लीन अप मैनेजर आप किस पर चलाना चाहते हैं, सी ड्राइव पे, जी ड्राइव पे, जो भी ड्राइव आपके कंप्यूटर में होंगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, आपको लेना है सी ड्राइव, यानी कि जिसके ऊपर विंडो का लोड होता है। तो आप लोग सी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे देन प्रेस ओके करेंगे। आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा एक कैलकुलेट करने के बाद। तो वही चीज़ मेन होती है पूरे कंप्यूटर के लिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने मेरा पूरा पॉपअप विंडो खुल के आई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन 443 MB, यानी कि 443 MB का स्पेस अभी मेरे को मिल जाएगा अगर मैं इनको फाइलों को डिलीट कर दूँ तो। तो फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं इन फाइलों को मुझे डिलीट करने से पहले आपको कुछ चेक और अनचेक वाले ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको क्या करना होगा, बस सिंपलीफाई सारे बॉक्सेस के आगे चेक कर दें।
आपको पता चल जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपी के अंदर कितना वायरस है या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कितना गार्बेज पड़ा हुआ है जो आपका यूजलेस है, आपका यूज नहीं है और जगह ले रहा है और आपकी स्पीड को, विंडो की स्पीड को कम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं सबके बॉक्सेस पे चेक कर देता हूँ, ये देखिए। और आप लोग जैसे जैसे मैं चेक लगा रहा हूँ नीचे देखते जाइएगा, आपका जितना डेटा मतलब बचा सकते हैं, मतलब खाली पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है, सब आपको दिख रहा है। यानी कि आप देखकर चौंक जाएंगे, 13.7 GB का डेटा तो खाली है, बेकार है, कुछ भी यूज नहीं हो रहा और वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मुझे करना है क्लीन, देन प्रेस मुझे करना होगा ओके। और देखिए आप लोग, यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी सारी फाइलें डिलीट होने वाली हैं जो अब टेम्पररी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सब की सब फाइलें कोई यूज नहीं हो रही फिलहाल में। आप लोग इस पे कीजिए डिलीट फाइल पे क्लिक और देखिए आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। आपकी जैसी ये सी ड्राइव क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को ये पांचों कमांड्स का यूज करना है अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। और ध्यान रखिएगा, आपको ये पॉप विंडो ऐसा कुछ खुल गया है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज एंड लास्ट, आपको ये पांचों कमांड यूज करने के बाद आपके एक बार कंप्यूटर को या लैपटॉप को रिस्टार्ट करना होगा। देन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड बढ़ती हुई महसूस हुई या नहीं हुई। आई होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।